पहलू कैसे और सभी लोग तागा में कौन नई वीडियो में आज हम फिर से खेलने वाले हैं WWE महीम। तो इसमें क्या आपको याद होगा कि अभी अपना द राइजिंग स्टार को मन खेल रहे थे और उसको अपने को पूरा कंप्लीट करना था, तो आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो काफी मजा आने वाला है। तो यहाँ मैंने द राइजिंग स्टार को मन कर लिया है और द वाइपर पेटर अपना टाइटल शोर को खेलने वाले, तो यहाँ पे आ देख सकते हो क्या कुछ अपने को रिवॉर्ड वगैरह दिखा रहा है, तो ये सब मुझे मिल जाएगा क्योंकि आज की वीडियो में अपना द राइजिंग स्टार पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है तो काफी मजा आएगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बिग ई से फाइट करनी और एंड में आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अपने को रैंडी ऑर्टन दिखा रहा है और यहाँ पे अपने पास WWE की एक बेल्ट ये तो काफी ज्यादा मजा आएगा कि अपने पास एक बेल्ट भी हो जाएगी, उससे अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस वगैरह मिलेगा, रिवॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। तो यहाँ पे मैं बोल्ट पर से ही फर्स्ट फाइट कराने वाला हूँ क्योंकि आप देख सकते हो बिगी के सामने बोल्ट पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे फाइट को तो लगा दिया है। अब देखते हैं गोल्ड पर कितनी ज्यादा आसानी से बिगी को हरा देगा, खैर मुझे लगता है बहुत ज्यादा आसानी से हराऊंगा इसको। तो मैंने यहाँ पे इसको मारना तो स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में मैं इसको स्पेयर मार देता हूँ, इसको काफी ज्यादा गंदा वाला डैमेज लग जाए, तो ये इसको यहाँ लगने वाली स्पेयर और काफी ज्यादा जोर से लगेगी। तो भी याद देखना भाई गोल्ड बर की स्टाइल यार बिल्कुल मुझे रियल जैसी लगती है, रियल में भी जैसी वो मारता है ना सेम भाई गेम में भी वैसी मारता है। तो चलो अभी भाई एक और इसको स्मैक लगेगी, मुझे लगता है स्मैक लगने से पहले ये स्टन हो जाएगा, हो जा एक दूसरा और। चलो अच्छी बात है इसने मुझे रिवर्सल दे दिया, तो अब इसको यहाँ पे लगने वाली है जैक हैमर, पर ये इसको काफ़ी जोर से लगेगी। आई थिंक ये यहाँ पे हार जाना चाहिए, स्टन हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं होगा तो ये एक और खाने के लिए तैयार हो जाए स्मैक, बट भाई अभी तक ये हार नहीं मानी है, इसने भी बचने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है और बच चुका है, कोई बात नहीं एक और इसको स्मैक खानी पड़ेगी। चलो अभी ये वाली स्पेयर से तो इसका पक्का काम हो जाएगा, मुझे तो लगता है हो जाना चाहिए 100%, बट पता नहीं साथ अभी भी बचने की कोशिश करे, देखते क्या होने वाला है यहाँ पे। वो गोल्ड पर ने यहाँ पे स्पेयर भी मार दिए और देखो बिल्कुल ये साइलेंट हो गया है, हिल डुल बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो इसका यहीं पे काम तमाम हो जाता है। अब अपन यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट वाली फाइट के लिए कि गोल्ड पर ने इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हरा दिया है। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अपने को तीन तरह से रास्ते दिखा रहे, तो अपन को बीच में से तो अपन नहीं जा सकते क्योंकि बीच में से अपने को यहाँ पे गर्ल्स फीमेल कैरेक्टर चाहिए होगा जो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास यहाँ पे बॉय कैरेक्टर है, तो मैं ऊपर की तरफ से जाऊँगा, यहाँ पे दो लूट है अपने पास ओपन कर लेते हैं, जिससे कि मुझे कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ तो नहीं मिली है बट ठीक ठाक सी चीज़ मिल चुकी है जिससे कि मैं अपने प्लेयर और सुपर स्टार को अपग्रेड वगैरह कर सकता हूँ। तो तीन तरफ से रास्ते अपने को दिखा रहे, तो अपन ऊपर की तरफ से जाने वाले यहाँ पे क्योंकि ऊपर की तरफ सही है यार, फर्स्ट वाला गेम तो ऊपर की तरफ से जाने में फायदा है। तो मैं यहाँ पे गोल्डबर्ग को लड़ाने वाला हूँ लूक गैलोस से, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आप देखते कि दोनों की हाइट इक्वल लग रही है और लूक गैलोस मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, हट्टा कट्टा लग रहा है, बट भाई पावर तो गोल्डबर्ग के अंदर जाता है। अब ये देखने में मुझसे भले से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लग रहा है आपको देखने में, बट भाई गोल्डबर्ग के सामने कुछ भी नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे बैली टू बैक सुप्लेक्स मार दिया, काफ़ी ज़्यादा जोर से लगी है। अब मैं यहाँ पे इसको स्पेयर मारने जा रहा हूँ, इससे शायद इसका पूरा एंड हो जाएगा, मतलब हेल्थ तो पूरी खत्म हो जाएगी, बट पता नहीं कि बचने की कोशिश करेगा या फिर नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि करेगा भाई कोशिश क्योंकि सब करते हैं, बट ये नहीं कर रहा है, देखो बिल्कुल ही साइलेंट हो चुका है। ये वाली फाइट को मैं यहाँ पे हो चुका हूँ विन। अब लूक गैलोस भाई काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इससे पहले मतलब बिग ई से भी ज़्यादा कमज़ोर था ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे पैसे मिल रहे हैं मनी जो कि अच्छी बात है, मुझे जूस भी मिल रहा है जिससे कि मैं अपने प्लेयर को अपग्रेड वगैरह कर पाऊंगा। अभी बारी है यहाँ पे कार्ल एंडरसन को हराने की और इसको भी मैं गोल्ड बर से ही लड़ाने वाला हूँ। आप सोच सकते हैं मेरे पास अगर गोल्ड बर नहीं होता तो कितना ज़्यादा मेरे साथ घाटा हो जाता, गोल्ड बर अपना यहाँ कितना ज़्यादा यूज़फुल है, कितना ज़्यादा काम आ रहा है अपने गोल्ड बर। तो चलो मैंने इसको यहाँ पर मारना तो स्टार्ट कर दिया, मैं सोच जल्दी से इसको एक स्मैक मार दो, एक स्पेयर होने वाली है। चलो तो मैंने यहाँ पे इसको नॉर्मल वाला मूव मारा, बैली टू बैक सुप्लेक्स इसको यहाँ पे लग चुकी है और अब मैं इसको यहाँ पे स्पेयर मारने वाला हूँ, बट शायद इसकी गिनती हो जाए यहाँ पे, पर नहीं हो पाएगी यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टू और फाइनल नहीं हो पाई ना भाई, फाइनल वाला बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, तो चलो कोई बात नहीं ले भाई तू स्पेयर का। चलो अब तो लगेगी स्पेयर और अब शायद इसका काम यहाँ पे तमाम हो जाए, बट तो हो सकता है बचने की कोशिश करे, ये लास्ट टाइम भी बचने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है फिर से बचने की कोशिश करे, तो देखते हैं कार्ल एंडरसन का क्या होने वाला, बचने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कोई इसमें किसको खानी पड़े, हाँ बिल्कुल खाएगा ये जैक हैमर, खाए भी नहीं इसको मतलब बाज नहीं आएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको जैक हैमर लगा दिया और अब ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा क्योंकि ये वाली स्मैक से भाई इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, देखो बिल्कुल ही साइलेंट हो चुका है, खत्म भाई थ्री। और ये वाली फाइट को मैं यहाँ पे हो चुका हूँ विन गोल्डबर की मदद से, यार गोल्डबर हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब आप अभी तक देख सकते हैं मैं जब से ये वाले गेम को खेल रहा हूँ मैंने सबकी फाइट गोल्डबर से ही करवाई क्योंकि गोल्डबर सबके सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखा रहा था। अब वैसे तो अभी यार गोल्डबर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है, वरना भाई गोल्डबर की पावर बहुत ज़्यादा थी भाई, और सकते हो बिल्कुल ऑसम पावर का था, बट भाई गेम के अंदर गोल्डबर कभी भी बुढ़ा नहीं हो सकता है, तो गेम के अंदर तो गोल्डबर में वही वाली पावर रहेगी जो इसके मतलब जवानी में पावर हुआ करती थी। तो यहाँ पे मैंने टैग दे दिया और अब रिडिल की पावर आप देखो, क्योंकि गोल्डबर्ग को हमने काफ़ी सालों से लड़ाया तो मैंने सोचा रिडिल को भी एक बार मौका दिया जाए। अब रिडिल मेरा यहाँ पे 4 स्टार का है तो भाई इसकी मैं आपको देख सकते तीन स्मैक में मार सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको रिवर्सल दे दिया है और यहाँ पे मैंने इसको ब्रोमिसन में डाल दिया और ये सबमिशन होल्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को लगता है यहीं पर इसका काम तमाम हो जाएगा।
हो तो जाना चाहिए यार, मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी टैप कर रहा हूँ। हो जा बस भाई, थोड़ा सा और करना है, जल्दी से भाई टैप आउट। ओके भाई, तो यहाँ पे जेवियर वुड ने टैप कर दिया यार, मुझे लगा था नहीं करेगा बट इसने कर दिया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो रिडिल ने इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा दिया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। रिडिल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब 4 स्टार का है इसलिए भी हो सकता है, बट भाई रिडिल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई बारी है यहाँ पे एजे स्टाइल की, देखते हैं यहाँ पे कि एजे स्टाइल किसके सामने माइनस पे जा रहा है। तो एजे स्टाइल की मैं फाइट यहाँ पे रिडिल से करवाने वाला हूँ, क्योंकि रिडिल की है तो अपने कोप्टास पे दिखा रही थी और एजे स्टाइल की माइनस पे। तो चलो मैंने इसको यहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं आपको रिडिल के फाइनल स्मैक दिखाऊंगा, जो कि थर्ड वाली है, कैसी लगती है, कितनी ज़्यादा मजेदार है। वैसे तो उसका नाम पिज्जा टॉस है और भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से देता है। देखो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है, देखना 3 बार घुमाएगा, 1 2, और अभी फाइनल बारी में देखना भाई कितनी ऊपर तक फेंकेगा। आप देखो गिनती करेगा ये 1, और अब वो नीचे गिरेगा। देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लगती है ना पिज्जा टॉस भाई देखने में, और एक ही में एज स्टाइल का काम तमाम हो चुका है। वो नहीं था भाई इतनी ज़्यादा तगड़ी चीज़ जो मैंने इसको मार दी थी, भाई इसका काम तमाम तो होना था। तो रिडिल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब एक बात ये भी हो सकती है कि अपना रिडिल 4 स्टार का इसलिए ज़्यादा पावरफुल है, ये भी हो सकता है, बट भाई रिडिल की स्मेक भी बहुत ज़्यादा औसम है। आप बोल सकते हो पिज्जा टॉस अच्छी लगती है यार देखने में। तो ये बारी है यहाँ पे रैंडी ओर्टन की, और इसको मैं यहाँ पे जैक रॉबर्ट से लड़ाने वाला हूँ, क्योंकि आप बोल सकते हो जैक रॉबर्ट की हेल्थ प्लस पे दिख रही है और रैंडी ओर्टन की माइनस पे। तो रैंडी ओर्टन भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा जैक रॉबर्ट के सामने, तो इन दोनों की मैं फाइट करवाने वाला हूँ। और अगर मैं ये वाली फाइट को जीतता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक वर्ल्ड हैवीवेट वाली बेल्ट मिल जाएगी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई महीम की बेल्ट होगी, क्योंकि अपन गेम भी महीम खेल रहे हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो महीम लिखा हुआ है, डब्ल्यू वहाँ पे बीच में लिखा हुआ है। तो ये वाली अपने को बेल्ट मिल जाएगी, जो कि मुझे चाहिए भाई रियलिटी में। तो यहाँ मैंने डीडीटी मार दी, काफ़ी ज़्यादा जोर से लगी होगी, ना कि टूट के लग रहा है रैंडी ओर्टन की। एक और मारूंगा मैं, बट इस बार डीडीटी नहीं, इस बार स्विमिंग नेक ब्रेकर, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा। तो मैं सोच रहा हूँ अब अगर मैं इसको कुछ मारता हूँ ना तो पक्का मुझे रिवर्सल देगा, देखते हैं ये हार रहा है या नहीं। अभी भी यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहा है, बट कोई बात नहीं, अब भाई ये रिवर्सल देगा, देखो। और अब ख़त्म, अब इसको लगेगी ना भाई तगड़ी वाली, अब भाई तेरा काम तमाम है। अब इसको यहाँ पे लग गई है जैक द स्नेक डीडीटी, और ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको लगेगी। वहाँ पे 9 चांस लिखा आ चुका है, तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे रैंडी ओर्टन का काम तमाम हो जाए, साइलेंट हो जाएगा या फिर स्टन हो जाएगा। तो चलो देखते क्या होगा। अब अपने जैक रॉबर्ट ने भी बोल दिया चल निकल। देखो यहाँ पे रैंडी ओर्टन हार चुका है, और अब मुझे ये वाली बेल्ट मिल चुकी है। देखो ये रिंग के ऊपर चढ़ के बढ़िया अपना शो ऑफ वगैरह कर रहा है ये वाली बेल्ट का, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाली बेल्ट है। अब अपने को यहाँ पे काफ़ी सारी लूट वगैरह भी मिली होगी, तो चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने को कौन कौन सी लूट मिली है, उन सबको अपन ओपन करेंगे। मुझे कुछ लूटों को परचेज भी करना है, तो वो भी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि अपने को कैसे क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है। तो मुझे एक प्रीमियम का बॉक्स मिला है, तो यहाँ पे 2-2 आ चुका है, मतलब द अनस्टॉपेबल फोर्स अपना ओपन हो चुका है और द राइजिंग स्टार अपना कंप्लीट हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो चुकी है अपने साथ। तो मैं लूट वगैरह को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये छोटी वाली लूट्स को ओपन करता हूँ, पर एंड में मैं सुपर स्टार वाली लूट्स को ओपन करके दिखाऊंगा आपको कि उससे अपने को क्या यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब सुपर स्टार्स वाली की बारी है, कुछ बढ़िया मिल जाए, क्योंकि 2 अपने पास लूट है कुछ तगड़ा सा। अरे शिट भाई, देखो ना यार, सब रद्दी रद्दी कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं। एक तो मुझे बटिस्टा मिला जो कि 4 बार मिल चुका है भाई, कुछ तो तगड़ा मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, मुझे एक यहाँ पे बुकाटी मिला था, और बटिस्टा तो रिपीटेड था, बट बुकाटी अपना नया था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया आज की वीडियो में, पूरा द राइजिंग स्टार को कम्प्लीट किया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो से मैं द अनस्टॉपेबल फोर्स को खेलना स्टार्ट कर दूंगा, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आज की वीडियो में आपको आया मज़ा तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मैं मिलता हूँ किसी और मज़ा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।